तो राधे राधे और मेरे दरिया से तरफ से राधे राधे। कैसे आप लोग? अच्छा करती आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपके वीडियो में दोस्तों मैंने आपके लिए कहानी लाई हूँ, तो दोस्तों आप सुनते हैं। कहानी का नाम है बड़ा बनने के लिए दोस्तों। बड़ा छोटा करो अत्यंत गरीब परिवार था। एक दिवस नौकरी के तलाश में किसी दूसरे शहर में जाने के लिए गाड़ी से सफर कर रहा था। घर में तभी तबार ही सब्जी बनती थी, इसीलिए उसने रास्ते में खाने के लिए खीर रोटियाँ ही रखती थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद भूख लगने लगी और वह टिफिन में से रोटी का टुकड़ा लेता और उस टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा है। जब उसके पास तब रोटियाँ थी, इस हरकत से आसपास के दूसरे यात्री देख कर हैरान हो रहे थे। यह उड़ हर बार रोटी का टुकड़ा लेता और जूठ मूठता टिफिन में डालता और खाता भी सोच रहे थे आखिर यह ऐसा क्या कर रहा था। आखिर तब एक बच्ची से रहा नहीं गया और उसने उसी पूछ ही लिया, भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे पास सब्जी है तो नहीं? हाँ रोटी तो टुकड़े तो हर बार थाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो कि मानो उसमें सब्जी हो। तब ये व्यक्ति ने जवाब दिया, भैया इस थाली रत्न में सब्जी नहीं है, लेकिन अब मैंने अपने मन में क्या सोच कर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है, मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। व्यक्ति ने पूछा, थाली रत्न में अचार सोच कर छुट्टी छुट्टी खा रहे हो तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उससे इस बात तो अपाते यात्री ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला कि जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह पर मटर पनीर सोचते और चाहे धोबी सोचते और तुम्हें स्वाद मिल जाता। मेरे कहने के मुताबिक तुमने अचार छोटा तो अचार का स्वाद आया और अच्छी चीजें में बारों में छोटे तो उसका स्वाद आता, सोचना ही था। छोटा ही तो छोटा, तुम्हें तो बड़ा सोचना था। तो दोस्तों इस हमें कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। छोटी सोच होगी तो छोटा मिलेगा, बड़ी सोच होगी तो बड़ा मिलेगा। तो इसीलिए जीवन में हमेशा में बड़ा सोचना चाहिए ताकि हमें बड़ा मिले और सपने में बड़ा देखा करो। जितनी मेहनत छोटे में पड़ी थी उतनी है बड़े में। तो दोस्तों आपकी कहानी सत्यों में रहती जुबानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, साथ में दोस्तों लाइक नहीं दोस्तों सब्सक्राइब मेरे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सोच रहे नमस्ते रहना।